What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 20th November 2019 वेनसडे है, सुबह के 8:13 हो रहे हैं। जैसे कि निफ्टी को आप देख रहे हैं, लास्ट टू वीक से ऊपर के लेवल में एक कंसोलिडेशन, एक साइडवेज मार्केट में ट्रेड हो रहा है। तो ये मार्केट हर वक्त ट्रेडर के पेशेंस को टेस्ट करते रहता है, चेक करते रहता है। तो यहाँ पर अभी ऊपर के लेवल में एक 200 पॉइंट का रेंज क्रिएट हुआ है, उसके बीच में ये ट्रेड हो रहा है। ना ही बुल्स इसे नीचे जाने दे रहे हैं, ना ही बेयर्स इसे ऊपर जाने दे रहे हैं। तो ये अभी अपर लेवल और एक लोअर लेवल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, उसके नीचे, उसके बीच में ये ट्रेड हो रहा है। तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ग्लोबल मार्केट से भी यूएस और चाइना के बीच में कभी कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव खबरें आ रही है, इसका असर ग्लोबल मार्केट्स में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो चलते कल के एनालिसिस का पहला रिव्यू करेंगे, फिर ग्लोबल मार्केट के हालात देखते हैं और उसके बाद निफ्टी का एनालिसिस शुरू करेंगे। ये कल का पिक्चर है, 19 नवंबर आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,904 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,866। तो जैसे कि आप देख रहे, निफ्टी इंडेक्स हमारे फर्स्ट टारगेट के ऊपर जस्ट ओपन हुआ, तो शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना। ये नीचे आया साउथ की तरफ और यहाँ पर एक हैमर जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न इसने ड्रॉ किया और यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाया। तभी ब्रेकआउट लेवल हमारा ब्रेक हुआ और उसके बाद फर्स्ट टारगेट 11,919 ये अचीव हुआ और सेकंड टारगेट 11,930 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 17 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 12,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स 102 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुआ, हालांकि नासडैक हल्की से बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो वहां पर भी मिला जुला कारोबार कल देखने को मिला और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो काफी प्रेशर के साथ इस समय ट्रेड कर रहे हैं। जापानीज इंडेक्स 236 पॉइंट के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है और हांगकांग मार्केट भी 237 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो 66 पॉइंट्स के गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है और एसजीएक्स निफ्टी हल्के से गिरावट के साथ अभी इस समय नेगेटिव जोन में ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी फिलहाल नेगेटिव संकेत आ रहे हैं, लेकिन लास्ट टू वीक्स से यहां पर भी मिला जुला कारोबार चल रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करेंगे। यह है निफ्टी इंडेक्स का डेली चार्ट। मैग्डी जीरो लाइन के ऊपर है लेकिन इसने अभी नेगेटिव क्रॉसओवर दिखाया है और ऊपर प्राइस एक्शन की बात करें तो ये लास्ट टू वीक से आप देख सकते हैं ये ऊपर 12,000 का ये जो लेवल है, 12,000 के लेवल के ऊपर ये क्लोज नहीं हो पा रहा, ये हर्डल है यहाँ पर 12,000 का, साइकोलॉजिकल बैरियर है और नीचे 11,800 का सपोर्ट बना हुआ है। तो अभी यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये फ्राइडे का ये जो डोजी कैंडलस्टिक था जिसने ऊपर में टेल छोड़ दिया था, तो इसका हाई और इसका लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, इसके हाई और लो के नीचे ये क्लोज नहीं दे पा रहा है, इधर ऊपर के तरफ क्लोज दे या फिर नीचे की तरफ, इसे इनसाइड बार ट्रेडिंग कहा जा सकता है। तो ये क्लियरली यहाँ पर साइडवेज पैटर्न चल रहा है। अगर ये ऊपर ये इसको ब्रेक करता है और 12,000 के ऊपर कोई डिसीजिव मूव आता है तो ही हम यहाँ से अपसाइड रैली देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पर जैसे कि अभी एशियाई मार्केट में भी थोड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है तो हो सकता है ये 20 एमए का सपोर्ट टेस्ट करने आए जो कि अराउंड अभी 11,800 के पास है। ये भी अभी इस जोन का ये जो लोअर लेवल है 11,800 इसी के पास ये अभी आ गया है, तो हो सकता है यहाँ पर एक सपोर्ट टेस्ट करने के लिए निफ्टी इंडेक्स आए अगर ये फ्राइडे के दिन का ये जो लो है ये ब्रेक करता है तो। तो यहाँ पर क्लियरली अभी एक साइडवेज पैटर्न है, बोरिंग फेज इसे कहा जाएगा सिंपल वर्ड्स में। तो ये फिलहाल है डेली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट की चार्ट में, आज के लिए क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। उससे पहले कल भी हमने एक पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो सकता है, इसका एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमने देखा था। अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो और ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता।
ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड है और ये हो सकता है राइट शोल्डर। तो यहाँ पर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने की प्रोबेबिलिटी है, ऐसा ही होगा ये काने जैसे। ऐसा होने के बाद इसका ये जो नेक लाइन आएगा, ये जो इसका नेक लाइन आएगा, इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर सस्टेन होना बहुत जरूरी है। तो ये पैटर्न हमें यहाँ से और भी टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बुलिश रैली दिखा सकता है। तो ये पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता, ये हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं? ये जो फ्राइडे का हाई है, ये करीब R1 का पिवट पॉइंट के लेवल के पास आ रहा है, तो ऊपर गया तो कल का हाई फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद ये पिवट पॉइंट का R1 का लेवल उसी के पास फ्राइडे का हाई आ रहा है। हमने डेली चार्ट में देखा इनसाइड बार ट्रेडिंग हो रहा है फ्राइडे के हाई और लो के बीच में। तो यहाँ पर R1 को अगर ये क्लियरली ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,988, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 12,004, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर टूवर्ड्स साउथ की तरफ अगर मूव होता है, हो सकता है आज गैप डाउन ओपनिंग हो, जैसे कि एशियाई बाजार के हम हालात देख रहे हैं। तो अगर यहाँ पर ये पिवट पॉइंट को ब्रेक करता है, 11,926 को अगर ये ब्रेक करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,907, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,894, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है, जबरदस्त गैप डाउन ओपन होता है, और अगर S1 के नीचे चला जाता है, तो ही शॉर्ट पोजीशन के लिए अपना ट्रेड इनिशिएट करें, गैप डाउन ओपन होता है तो, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये, यानी ऑलमोस्ट 11,874, ये हमारा तभी फर्स्ट टारगेट होगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद 11,894 के नीचे सस्टेन होता है, तभी हमें ये इनिशिएट करना है, ठीक है। तो इस समय ये है एनालिसिस और इंट्राडे लेवल्स आज के लिए निफ्टी के लिए। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।